उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर का नाम पिछली बार फरवरी 2021 में सुर्खियों में आया था, जब ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। इस शहर के आसपास बसे कई गांव इस दौरान तबाह हो गए। बीते कुछ महीनों में इस इलाके में रहने वाले कई लोगों ने प्रशासन को बताया कि सड़कों और उनके घरों की दीवारों पर दरारें आ गईं। जब शिकायतें बढ़ी तो राज्य सरकार ने अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की। विशेषज्ञों की समिति ने अब अपनी रिपोर्ट बना ली और माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट में चिंताजनक नतीजे आए हैं। सरकार ने ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्टें आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि जोशीमठ में सिर्फ दीवारों में दरारें ही नहीं आई, बल्कि करीब 17,000 लोगों की आबादी वाले शहर के कई हिस्से धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रहे हैं। समुद्र से 6,150 फुट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ इस इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है। यहां से भारत तिब्बत सीमा काफी करीब है। यहां बनी सेना की छावनी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। जोशीमठ और बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे तीर्थधाम और औली फूलों की घाटी जैसे जाने माने पर्यटक स्थल भी जाने के लिए इस जगह को द्वार माना जाता है। लेकिन इस पूरे इलाके की परिस्थिति बेहद ही संवेदनशील है और ऐसा लगता है कि अब इस पर बढ़ते हुए बोझ के आगे ये जवाब देने लगी है। हाल में एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों की समिति ने कहा है कि भारी बारिश, भूकंप, अनियंत्रित निर्माण और क्षमता से ज्यादा पर्यटकों की आबादी की वजह से जोशीमठ की नींव खिसक सकती है। साथ ही कहा कि जोशीमठ की नींव में भूस्खलन से जमा हुए पदार्थों की एक मोटी परत से ज्यादा कुछ नहीं, इस वजह से नींव ही अस्थिर है और उपरोक्त कारणों की वजह से ये कभी भी दरक सकती है। वहीं समिति ने ये भी बताया कि दरारें सिर्फ घरों की दीवारों और जमीन पर नहीं बल्कि छतों और आंगनों से होते हुए घरों के बाहर तक फैली है। इतना ही नहीं, इनमें छतों के नीचे लगाई जाने वाली बीमें भी अपनी जगह से हिल गई और मकान एक तरफ को झुक कर रह गए। वहीं समिति ने कहा कि इन हालातों के लिए जोशीमठ औली सड़क पर अनगिनत घर, रिजॉर्ट और छोटे होटलों के निर्माण को जिम्मेदार बताया, जिन्हें शहर की क्षमता को नजरअंदाज करते हुए बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ औली सड़क से और ऊपर पहाड़ों में कई बड़ी चट्टानों के नीचे गड्ढे हो गए, जिसका मतलब ये है कि चट्टानें कभी भी गिर सकती हैं और नीचे के इलाकों में भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।